फ्रेंड्स अब हम इसको चारों तरफ से पेच की मदद से टाइट कर देंगे लकड़ी को। जब ये चारों तरफ से टाइट हो गया है अब हम इसमें चार लकड़ियां और सपोर्ट में लगाएंगे। पीछे से पेच की मदद से हम इसको पीछे से टाइट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बीच में इसके दो लकड़ियां लगाएंगे छत की सपोर्ट के लिए। ये दोनों लकड़ियां लग गई, हम तीसरी लकड़ी इसके ऊपर लगाएंगे छत की सपोर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स अब ये चारों साइड से तैयार हो चुका है फ्रेम बर्ड हाउस का। अब वेस्ट मटेरियल में हमारे पास सनबोर्ड है, इस सनबोर्ड की मदद से हम इसको सभी साइड से कवर करेंगे निशान लगा के स्केच से। इस तरीके से हमें निशान लगाना है और फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा निशान से बाहर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी सभी साइडों को कटिंग करेंगे इस तरीके से निशान लगा के, और इसमें हमने एरो लगा के नंबर्स लिख के निशान लगाने हैं जिससे ये सब कुछ मिक्स ना हो। इसके फ्रेम पे भी हमने निशान लगाना है, जो हमने साइड कटिंग करी है उसी के हिसाब से हमने फ्रेम पे लगाना है सभी साइडों में। 1 2 3 4 करके नंबर लगाने हैं। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है सब नंबर्स के हिसाब से। स्पेशली छत पे से थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने स्केल से नाप के छत को फिट करना है और एरो का निशान लगा के नंबर्स लगा के ये 6 इंची हमने रखा है छत का साइज़, और यहाँ 5.5 इंची हमने छत का साइज़ रखा है। बस हमें छत में ही नापना। फ्रेंड्स अब हम इसको सभी साइड से कील हथौड़े की मदद से फिट करेंगे।
साइडें लगाएंगे इसकी। फ्रेंड्स अब हम इसकी साइडों को अंदर की तरफ से इसी तरीके से फिट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसकी साइड लगाएंगे और आप ध्यान रखें कि सपोर्ट लगानी बहुत ज़रूरी है, नीचे आप सपोर्ट लगाएं जिससे इस फ्रेम का स्ट्रक्चर हिले ना। फ्रेंड्स इसमें चारों साइड लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी छत लगाएंगे। देख सकते हैं छत लग गई है। इसमें जो है अब थोड़ा साइडों में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको हम अंदर से हाथ डाल के थोड़ा बाहर करेंगे क्योंकि नीचे लकड़ी नहीं है, और इसको हम फेविक्विक की मदद से थोड़ा सा यहाँ पे सेट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम शीट के ऊपर से फ्लेक्स उतारेंगे, आप देखेंगे अंदर से ये बिल्कुल वाइट निकल आएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें इसको सभी साइडों से उतार लेना है। अब हम एक 4x4 इंचेस का स्क्वायर कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है, अब हम इसको बीच में से कटिंग करेंगे। अब हम इसके फ्रंट में इसको लगाएंगे सेट करके, कटिंग करके इसके कॉर्नर इस तरीके से, और एक को हम फेविक्विक की मदद से सेट करेंगे और एक को हम कील की मदद से सेट करेंगे। ये हमने इसके कॉर्नर थोड़े से फाइल करके इसके ख़त्म कर दिए, ये चिड़िया के बैठने की जगह बन गई है। अब हम इसमें पीछे की साइड से लकड़ी कटिंग करेंगे और इसमें हम अब ये हुक फिक्स करेंगे हैंग करने के लिए। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। मैंने कुछ लकड़ियाँ ली हैं जो आपको इस शेप में कटी हुई दिखाई दे रही हैं, ये 5 शेप की लकड़ियाँ हैं अलग अलग कटी हुई। इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ये आप देख सकते हैं कटिंग हुआ हुआ डिज़ाइन फ्रंट का तैयार है। इन लकड़ियों की मदद से हम इसको डिज़ाइन करेंगे और फेविकोल से हम इसको चिपका देंगे और आपका फ्रंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें हमारे पास कुछ कटिंग है लकड़ियां देख सकते हैं आप, और बीज की मदद से हमने इसकी पत्तियां बनाई हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप फ्रंट देख सकते हैं कितना सुंदर तैयार हो गया है।
अब हम इसमें देखेंगे, इसमें होल करे हुए हैं नीचे हमने हवा के लिए। और साइड में हमने विंडो भी बनाई है, उसके नीचे भी हमने हवा के लिए होल कर। फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।